हेलो फ्रेंड, मैं सनी, हमारे चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। और पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन के मध्य में प्रतिरोध कितना होता है? आंसर अनंत होता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वीदर का प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? आंसर है सिलिका जेल। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर शक्ति का गुणक किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर जो है शक्ति गुणक, उसका भार के शक्ति के गुणक पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा है? जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर जैसे कि चित्र आप देख रहे हैं, इसमें कौन सा भाग है जो ज़्यादा गर्म होता है? तो इसका जो कुंडलिया होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर के क्रूड लौ के स्थान पर ताम्र बनाया जाए तब शून्य भार पर होने वाली हानियां कैसी होगी? कैसी हानि होगी? ये क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी यूपीएल में भी पूछे गए थे, भौर धारा हानियां होंगी। हमारा छठा क्वेश्चन है, समांतर प्रचलन हेतु त्रिकलीय ट्रांसफार्मरों के संयोजन की उचित व्यवस्था क्या होती है? स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। समांतर जो प्रचलन हेतु त्रिकलीय ट्रांसफार्मरों का संयोजन उचित व्यवस्था क्या होती है? ये क्या होती है कि ये स्टार डेल्टा जो होता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर कोड को प्रचलित करने का क्या उद्देश्य है? इसकी लौह और हानियों को कम करता है। ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है, क्रूड होता है, वो प्रचलित करने का उद्देश्य यही है कि इसकी जो लौह और हानियाँ होती हैं वो कम हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर में लौह कोर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में जो लौह कोर होता है उसका क्या कार्य होता है? आंसर, प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस का पथ पर उपलब्ध कराना ही ट्रांसफार्मर लौह का कार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर के जो कन्वर्टर का क्या कार्य होता है? वो तेल की जो प्रसार होती है उसके जो संकुचन की संयोजित करने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही कुंडली होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? धारा और वोल्टेज। ट्रांसफार्मर जो है वो धारा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का नियमन एवं दक्षता बिना भार दिए ही ज्ञात की जा सकती है? संपन्नर परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर कोड का पदार्थ कौन सा होता है? ये किस चीज़ का होता है? जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है वो कौन सा पदार्थ का होता है? सिलिकॉन स्टील का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तन होने वाली हानियाँ कौन सी होती है? ताम्र हानियाँ होती हैं। नंबर 15, ब्लू चॉल्स रिले का उपयोग किस में किया जाता है? तेल कूलित ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में केवीए दक्षता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा होगा? जो केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर उसमें उसकी केवीए की क्षमता बढ़ाई जाएगी तो उसका आकार कैसा होगा? आकार बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को समान अधिक अथवा कम वोल्टेज को रूपांतरित करना है। यानी कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वह विद्युत ऊर्जा को अधिक अथवा कम कर वोल्टेज को रूपांतरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियाँ कौन सी होती है? भंवर धारा हानियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियाँ भंवर धारा हानियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति ट्रांसफार्मर क्या होती है? नियमन वोल्टता कुंडली कोड के समीप होती है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफार्मर में नियमन वोल्टता कुंडली को क्रूड के समीप होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर में प्रतिघात की मात्रा निर्भर करती है क्षरण फ्लक्स पर। क्वेश्चन नंबर 22, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर की क्या हानियाँ होती हैं? केवल लौ में हानियाँ होती है। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या हानियाँ होती हैं? केवल उनकी लौ हानियाँ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर में क्षरण फ्लक्स पर कौन सा निर्भर करता है? भार और धारा दोनों निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कोड का पदार्थ कौन सा होता है? फेराइट का होता है। उच्च आवृत्ति के जो ट्रांसफार्मर के कोड का पदार्थ होता है वह फेराइट का होता है। क्वेश्चन नंबर 25,
एक स्टेज अप ट्रांसफार्मर में क्या कम होता है, धारा कम होता है, एक स्टेज अप ट्रांसफार्मर में धारा कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्राय किस स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं, प्रायवर्तक स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है, चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियां ज्ञात करने पर। क्वेश्चन नंबर 28, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को किस भांति इस्तेमाल किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल कौन सा होता है, खनिज तेल होता है। और क्वेश्चन नंबर 30, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, नीला कलर का होता है, शुष्क सिलिका जेल जो रंग होता है उसका नीला कलर का होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया, अगर किसी भी प्रकार दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ।